नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी का खास बुलेटिन ग्राउंड रिपोर्ट। देश की हर बड़ी खबर, हर ब्रेकिंग न्यूज इस बुलेटिन में, सीधे ग्राउंड जीरो से। मैं हूं आपके साथ पवन नारा। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर पंजाब से आ रही है, जहां सिद्धू मूसेवाला की हत्या में इस्तेमाल की गई गाड़ी किसने मुहैया कराई। अब पंजाब पुलिस ने उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। पंजाब पुलिस इसे बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू मान रही है। माना जा रहा है कि इस हत्याकांड में 7 आरोपी शामिल थे, और अब जिसने गाड़ी मुहैया करवाई उसकी गिरफ्तारी के बाद ये गुत्थी आगे सुलझ सकती है। यानी सिद्धू मूसेवाला की हत्याकांड में अभी तक की सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू पंजाब पुलिस इसे मान रही है। इंडिया टीवी संवाददाता पराशर हमारे साथ मौजूद है। अभय, क्या जानकारी निकल कर आ रही है? जिस शख्स को गिरफ्तार किया गया है, इससे क्या क्या आगे मिलने की संभावना है? तो इस वक्त पंजाब से बड़ी खबर है, सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर ये कि हत्या के लिए जिस गाड़ी का इस्तेमाल किया गया, उस गाड़ी के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। और पंजाब पुलिस के लिए अभी तक इस हत्याकांड में ये सबसे बड़ा खुलासा है। इस हत्याकांड में बिश्नोई गैंग की तरफ शुरुआत से ही पुलिस इशारा कर रही है। बिश्नोई को तिहाड़ जेल से लेकर पूछताछ भी की जा रही है। लेकिन आपको बता दें कि फिलहाल ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि अंत में जो सबसे बड़े सबूत है, वो गाड़ी जो हत्याकांड में इस्तेमाल की गई, उस गाड़ी के मालिक को गिरफ्तार किया जा चुका है। और पंजाब पुलिस इसे एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देख रही है। केकड़ा नाम का यह शख्स है जो इस गाड़ी का मालिक बताया जा रहा है। और अभी तक पुलिस की जांच में ये स्पष्ट हुआ है कि सिद्धू मूसेवाला की हत्याकांड में 7 लोग शामिल थे। और इससे पहले सिद्धू मूसेवाला के साथ सेल्फी लेने के बहाने सिद्धू मूसेवाला की रेकी की गई थी। वो कहाँ आता है, कहाँ जाता है, और इसी बात में ये अहम है कि अब ये पता चल गया है कि इस गाड़ी का मालिक कौन है। और उसके बाद अब कोशिश ये होगी कि पता चल सके कि वो 7 लोग कौन हैं जो इस गाड़ी में सवार होकर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के लिए गए थे। अब आप अपने स्क्रीन पर वो सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं जिसके जरिए देखा जा सकता है किस तरीके से ये गाड़ी फतेहाबाद से होते हुए आगे तक पड़ी थी, और अब इसके मालिक को ढूंढ निकाला गया है। यानी अब गाड़ी के मालिक के मिलने के बाद इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि ये गुत्थी आगे सुलझेगी और पता लगेगा कि मालिक काकड़ा ने ये गाड़ी किसको दी थी, किसने इस्तेमाल किया था। और इसी के बाद अब इस मामले में और आगे जांच बढ़ेगी। तो सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले में अब पंजाब पुलिस के लिए ये बड़ा ब्रेक थ्रू माना जा रहा है। अभय पराशर हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभय, इस गिरफ्तारी को इस केस की जांच में कितना महत्वपूर्ण माना जा रहा है, और अब पुलिस की जांच किस दिशा में बढ़ रही है? देखिए बिल्कुल पवन, ये जो गिरफ्तारी है ये एक बड़ा ब्रेक थ्रू माना जा रहा है, क्योंकि जो केकड़ा है ये बताया जा रहा है कि जो शूटर्स थे जिन्होंने सिद्धू मूसेवाला के ऊपर हमला किया, जिसमें सिद्धू मूसेवाला की मौत हुई, उन शूटर्स को गाड़ी अरेंज कराने में इसने मदद की थी। ना केवल गाड़ी अरेंज कराने में बल्कि इसने काफ़ी अहम इनपुट भी इन शूटर्स को दिया था। जब सिद्धू मूसेवाला अपने घर से अपनी थार गाड़ी में निकले थे, तभी से ये लगातार शूटर्स के संपर्क में था, उन्हें जानकारी दे रहा था कि सिद्धू मूसेवाला किस तरफ जा रहे हैं, अपने घर से निकल चुके हैं, ये जानकारी इसने शूटर्स को दी। और साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि जो दो गाड़ियां दिख रही थी, जिन गाड़ियों से हमलावरों ने सिद्धू मूसेवाला की गाड़ी का पीछा करा, जो कि सीसीटीवी फुटेज में दिख रही थी, उन गाड़ियों को अरेंज कराने में भी इसकी अहम भूमिका थी। फिलहाल क्योंकि इसे अभी गिरफ्तार किया गया है, इसका अभी जो नाम बताया जा रहा है वो इसका नाम केकड़ा बताया जा रहा है। पूरा इसका नाम क्या है और इसका प्रोफाइल क्या है,
वो भी हम लगातार खंगालने में लगे हुए हैं। लेकिन फिलहाल इससे मानसा पुलिस इस वक्त पूछताछ कर रही है और जो वरिष्ठ सूत्र हैं पंजाब पुलिस के, उनके मुताबिक एक बड़ा इनपुट केकड़ा से मिल सकता है, क्योंकि कई एजेंसियां इसके अंदर लगी हुई हैं, ना केवल पंजाब पुलिस बल्कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल भी कई गैंगस्टर से इसमें पूछताछ कर रही है। तो ये माना जा रहा है कि इसकी गिरफ्तारी के बाद उन मेन शूटर जिनकी अभी तलाश की जा रही है, जिन्होंने गोली चलाई, क्योंकि संदिग्ध तो कई सारे लिस्ट में है, लेकिन जो मुख्य शूटर्स हैं उनके नाम का खुलासा हो सकता है, उनकी जानकारी केकड़ा से पुलिस निकाल सकती है। तो कुल मिलाकर केकड़ा वो अहम किरदार जिसने इस पूरे मर्डर को कोऑर्डिनेट किया, शूटर्स के साथ संपर्क में था, मूसेवाला की लोकेशन बता रहा था, उसको गिरफ्तार कर लिया है और पंजाब पुलिस के लिए ये एक बड़ा ब्रेक थ्रू माना जा रहा है। अब आपको बताते हैं कि वो सात शूटर्स कौन हैं जिनकी पंजाब पुलिस को तलाश है। आपको बता दें कि मूसेवाला मर्डर के गुनहगार असल में कौन हैं जो पंजाब पुलिस के रेडार पर हैं। आरोपी नंबर एक जगरूप सिंह रूपा तरन तारण से है, आज की सबसे बड़े आरोपी के तौर पर उसे देखा जा रहा है। आरोपी नंबर दो हरकमल उर्फ रानू भटिंडा से है। आरोपी नंबर तीन प्रियव्रत फौजी जो कि सोनीपत हरियाणा से है। आरोपी नंबर चार मंजीत उर्फ भोलू सिसाना गांव सोनीपत, ये भी हरियाणा से शूटर बताया जा रहा है। आरोपी नंबर पाँच सौरभ उर्फ महाकाल, ये पुणे से है, महाराष्ट्र से भी इस हत्याकांड के तार जुड़ रहे हैं, संतोष जाधव। आरोपी नंबर सात सुभाष बनोदा सीकर से है, ये राजस्थान से है। तो कुल मिलाकर अभी तक ये आप समझ सकते हैं कि वो सात शूटर हैं, पंजाब हरियाणा राजस्थान महाराष्ट्र, इस तरह से पैन इंडिया लोग यहाँ शामिल थे इस शूट में। उन सात लोगों की गिरफ्तारी की कोशिश पंजाब पुलिस कर रही है। वहीं अब एक खबर जम्मू से। जम्मू में हिंदू धर्म के एक पवित्र स्थान, एक ऐतिहासिक मंदिर पर हमला हुआ है। पहले कश्मीर घाटी में टारगेट किलिंग हुई और अब जम्मू में हिंदू मंदिर पर हमला हुआ है। आखिर ये हमला कहाँ हुआ है, क्या कुछ जानकारी अभी तक सामने आई है, आइए आपको बताते हैं। पहले टारगेट किलिंग, अब निशाने पर मंदिर। जम्मू में वासुकी नाग मंदिर पर हमला। तोड़ डाले मंदिर के दरवाजे और खिड़कियां। मंदिर के अंदर मूर्ति पर भी फेंके पत्थर। हमले का विरोध, सड़क पर आक्रोश। जम्मू कश्मीर का माहौल कौन बिगाड़ रहा है? ग्राउंड रिपोर्ट में अब बात जम्मू कश्मीर के डोडा की, जहां एक ऐतिहासिक मंदिर पर हमला किया गया है। कश्मीर में पहले टारगेटेड किलिंग्स जिनके निशाने पर हिंदू और गैर कश्मीरी थे, और अब एक हिंदू मंदिर पर हमला किया गया है, दरवाजा तोड़ दिया गया है, दान पेटी के साथ छेड़छाड़ की गई है और ये सब तस्वीरें अब सामने आई है। आपको बता दें कि रविवार देर रात किए गए इस हमले में मंदिर की मूर्तियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है, दरवाजे खिड़कियां और दानपेटी को तोड़ा गया है, पूरे मंदिर को क्षत विक्षत करने की कोशिश की गई है। सुबह पुजारी के पहुंचने पर मामला सामने आया है, जिसके बाद डोडा समेत कई जगहों पर लोगों ने प्रदर्शन किया है। अब आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं, लोगों ने सड़क पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया है और मंदिर पर हमला करने वालों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। पहले टारगेट किलिंग और अब मंदिर को निशाना बनाने की हरकत आतंकियों की तरफ से की गई है। हमले से गुस्साए लोगों ने कश्मीर घाटी में अलग अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन किया है, यानी कश्मीर घाटी में एक बार फिर हिंदू निशाने पर हैं। हमारे संवाददाता मनीष प्रसाद इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, पहले टारगेटेड किलिंग्स और अब इस मंदिर पर हमला, क्या समझा जाए, किस तरह का नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश जम्मू कश्मीर में की जा रही है? पवन, ये जम्मू का डोडा का
बदरवा इलाका है वहां पर ये घटना घटी है। वसुकी नाग जो टेम्पल है वो करीबन 17,400 फीट की हाइट पर है और ये अमूमन करीबन 3 महीने बंद रहता है और जो वहाँ के जो प्रमुख पुजारी हैं उनके जो शिष्य हैं वहाँ के जो लोकल हैं वो यहाँ पर गए थे साफ सफाई करने के लिए। जैसे ही वो वसुकीनाग टेम्पल में पहुँचे वहाँ पे कैलाश कुंड भी है और यहाँ पर एक बड़ा मेला लगता है। जब वो वहाँ पे पहुँचे तो उन्होंने देखा जो दरवाज़ा है वो टूटा हुआ है, खिड़कियाँ टूटी हुई हैं, जो मंदिर की प्रतिमा के ऊपर जो वस्त्र है वो हटा हुआ है और दानपात्र पूरा का पूरा गायब है और इसीलिए फिर उसके बाद ये उग्र प्रदर्शन वहाँ पे होने लगा। उन्होंने कहा कि यहाँ पे धार्मिक आस्था को ठेस पहुँचाने के लिए मंदिर की मूर्ति के साथ छेड़खानी की गई है, छेड़छाड़ की गई है, उसके अलावा मूर्ति की प्रतिमा के साथ छेड़खानी की गई है, दरवाज़ा तोड़ा गया है। इसीलिए इस समय जम्मू पुलिस ने मामले को इनिशियली इन्वेस्टिगेट करते हुए 380, 427 और 295 आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया है। साधारण शब्दों में आप समझ लें कि तोड़फोड़ और मंदिर की जो दानपात्र है उसको चोरी का मामला, उसके अलावा जो मंदिर है उसको डैमेज करने के मामले को दर्ज करते हुए इस समय जो आईजी हैं और उसके अलावा जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं उनके मुताबिक वो किसी भी अभी घटना को रूल्ड आउट नहीं कर रहे हैं कि ये धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने के लिए किया गया या फिर इसके पीछे चोरी की मंशा थी। दोनों एंगल से इसकी जांच की जा रही है। लेकिन भावनाओं को भड़काने और मंदिर की दान पेटी को चोरी करने का मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।